है। कीनोट सेल तो हम लोग सीख गए थे। ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब होता है व्हेन सेल सप्लाई करंट एट अंडर यूज, यानी यूज में है। अब तो ई सेल कैसे निकालेंगे? ईनोट सेल निकालना में कोई दिक्कत? ईनोट सेल निकालना तो आ गया, ई सेल कैसे निकालते हैं? तो देखो ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल निकालने के लिए नर्स्ट साहब ने इक्वेशन दिया ई सेल निकालने के लिए। तो ई सेल यानी जब सेल यूज में होगा तो उसकी ईएमएफ कैसे निकालते? ई सेल इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। किस इक्वेशन के हेल्प से निकलेगा? नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से। अब अगला टॉपिक हमारा वही है, नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ना। तो पहले यहां तक नोट करो जी, तब हम लोग सीख पाएंगे। नोट करो, यहां तक नोट करो, फिर हम लोग सीखते हैं आगे। नर्स्ट इक्वेशन पे आएंगे। मिस्टर सिद्धित कहाँ था जी तू? फिजिक्स क्लास में आवाज नहीं आ रहा सिद्धित, माइक को अपने माउथ के नजदीक लाके बोल। मोहित लिख लिया? मोहित एक मिनट सर। डन सर। बाकी लोगों का हो गया? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है और किस तरह से हम लोग इसका रिजल्ट यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन का, देखिए। ये रिएक्शन क्या है? ये कहता है नर्स्ट इक्वेशन कि किसी भी सेल का ईएमएफ आप इस तरह से निकाल सकते हो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस में ई सेल बराबर ईएमएफ ऑफ सेल माइनस में 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यानी जब केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगा तब ई सेल निकलेगा। और ये फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन का, ये बिना मॉडिफिकेशन के, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। इसमें आर क्या है? तो इसमें आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये क्लास 11th के मेथड से या 12th के मेथड से डिराइव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अभी इसके डेरिवेशन पे नहीं जाए। जी की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू होती है एसआई यूनिट में 8.314, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू हो गया एसआई यूनिट में, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। टी क्या है? तो टी है टेम्परेचर,
ये जो टेम्परेचर है इस चैप्टर में रखा गया फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए से वो 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। कितना लिया गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा? 25 + 273 यानी 298 केल्विन। टेम्परेचर फिक्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 25 डिग्री सेल्सियस पे, सारा मेजरमेंट किया गया है। एन क्या है? तो नंबर ऑफ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है। बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन एन है। एफ क्या है? तो एफ है फराडे, फराड 1 फराड, 1 फराड। इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। अगर हम अपने फॉर्मूला में सबकी वैल्यू रख देते हैं जिसकी जिसकी वैल्यू नोन है, तो ई सेल बराबर ये आ जाएगा ई नॉट सेल। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं। तो जिनकी जिनकी वैल्यू पता है उसको रखते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस में 2.303, आर का वैल्यू हो गया 8.314, टेम्परेचर हो गया 298, ये सब पहले से पता रहता है, ये सब दिया नहीं रहेगा बार बार। एन का वैल्यू नहीं पता है, वो रिएक्शन बनाने के बाद पता चलेगा। 96500 log base 10 प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ठीक। इसको सॉल्व जब करते हैं ना, तो ई सेल बराबर आता है ई नॉट सेल माइनस में 0.059 पूरा सॉल्व होकर बाई एन log base 10 प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। बच्चा क्या करता है, इस फॉर्मूले को तो याद कर लेता है, इस फॉर्मूले को याद कर लिया, ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गया डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ये है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म जो न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है ना, जब आप आपके टीचर्स एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं बाहर से, वो बोलते हैं नर्व्स इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म कभी न्यूमेरिकल बनाते समय लिखता नहीं है, वो तो डायरेक्ट आर और टी सब रिजल्ट रखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको याद किया रहता है। तो आपको ये पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है और मोडिफाइड रिजल्ट भी याद रखना है, सिंप्लीफाइड और मोडिफाइड। मोडिफाई कर दिए ना, सबकी वैल्यू डाल दिए, मोडिफाइड और सिंप्लीफाइड रिजल्ट कह सकते हैं आप इसको फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको याद रखना है। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे ये अभी आगे सीखेंगे, पहले यहां तक नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसको याद कर लेना है सब लोगों को। लिख लोगे तो बताओगे सब। डन सर। वेरी गुड।
सब लोग लिख लिया? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? यस सर। लिख लोगे तो बताओगे क्वेश्चन? यस सर। ओके, लिख लेना तो बताना। डन सर। डन सर। लिख लिया सब लोग? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? धनराज लिख लिया तू? अमीशा लिखी? यस सर। अंजलि लिख ली? यस सर, हो गया। कौशल? यस सर। आयुष? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनाएंगे, और बहुत ध्यान से देखना, एक बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल लेकर के ही हम उनको समझा रहे हैं, ठीक है? और ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है? देखो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आएगा फिक्स है बुक में 5 मार्क्स का इस चैप्टर से, ए वोल्टाइक सेल, ए वोल्टाइक सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस, देखो टेम्परेचर 25 डिग्री दे रहा है ना, विद द फॉलोइंग हाफ सेल, विद द फॉलोइंग हाफ सेल ए जी प्लस, इसका कंसेंट्रेशन इस तरह से दिया 0.001 m/Ag एंड कॉपर, कॉपर 2+ 0.01 m/copper, what will be the voltage of cell given E naught cell बराबर 0.46 volt, ठीक है? देखो अभी हमको पहले सेल में कैथोड एनोड ढूंढना है, ई नॉट सेल डायरेक्ट दे दिया तो कैथोड एनोड जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 25 डिग्री पर सेल है, हाफ सेल रिएक्शन में पहला वाला ये दिया हुआ है, पहले ये दिया हुआ, तो बताओ पहले कैथोड दिया रहता है कि पहले एनोड दिया रहता है? आगे वाला कैथोड होता है कि एनोड होता है, जल्दी बताओ? कैथोड। क्या तुम बता है जी, हम लोग क्या सोया रहता है क्या जी? एनोड सर। एनोड एनोड एनोड, वही तो एकदम सोया रहता है, सो के जवाब देता सर एनोड कैथोड, दोनों में से कुछ तो होगा सर बोलेंगे, अच्छा ठीक सो जाओ नींद ले लो एक। अच्छा ये वाला हो गया एनोड, ये वाला हो गया कैथोड, क्योंकि अभी इसमें और कोई रेफरेंस हमको आइडिया नहीं दिया है कि कैसे पहचानेंगे कैथोड एनोड, क्योंकि किसी का ईएमएफ नहीं दिया है ना, तो बस दिया है कि फॉलोइंग हाफ सेल इतना एंड इतना, तो इससे आइडिया लगता है कि आगे वाला एनोड होगा बाद वाला कैथोड होगा, ठीक है? कैथोड एनोड तो पता चल गया, बताओ एजी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? एजी से एजी प्लस बनाए या तो अब हमसे ये बताओ एजी से एजी प्लस बनाए कि एजी प्लस से एजी बनाए? एजी से एजी प्लस। एजी से एजी प्लस। वेरी गुड, तो उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं। क्या बनेगा इसमें? एजी गिवन टू एजी प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, आ गया?
ये कहां पे हो रहा है, कैथोड पे कि एनोड पे? नोट रिडक्शन हाफ सेल, ये सब करना पड़ेगा। रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा, क्या बनाए, कॉपर टू प्लस से कॉपर या कॉपर से कॉपर टू प्लस? कॉपर टू प्लस से कॉपर, कॉपर टू प्लस, कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिवन टू कॉपर। क्या ये दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस है? क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस है? यस सर। बट यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस कैसे हो गया? फिर तुम नींद में है? नो सर। एकदम तुम नींद में, मतलब लगता है कि तुम नींद में है ही, हमको लग रहा है। नो सर। इसको दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन बैलेंस, दो से गुना करके जोड़ना है, तो दो से गुना करेंगे तो हमारा रिएक्शन आ जाएगा टू ए जी गिवन टू टू ए जी प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। और नीचे वाला रिएक्शन में तो वही है, कॉपर टू प्लस गिवन टू टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिवन टू कॉपर, ठीक है। इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जोड़ करके क्या आएगा, जोड़ करके आएगा टू ए जी प्लस सी यू टू प्लस गिवन टू टू ए जी पे प्लस चार्ज प्लस कॉपर आ गया। अब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी आ गया। हम लोगों को क्या निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है वोल्टेज ऑफ सेल, सेल का वोल्टेज निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ई सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या पहले देखो ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल, ई सेल निकालना है हम लोगों को। वोल्टेज ऑफ सेल का मतलब ई सेल निकालना है। ई सेल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल पता है, ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखो यहां समझने वाली बात क्या है, यहां समझने वाली बात यह है कि इनोट सेल हमको दिया 0.46, रख दिए 0.059 को हम 0.06 ले सकते, ले सकते क्या, ले सकते हैं? यस सर। यस सर। और n की वैल्यू, n है हमारा बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, बताओ रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से बैलेंस्ड है, जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन से बैलेंस्ड है, किसी भी एक रिएक्शन को देख करके बोलो। दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ दो रखेंगे, लॉग प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में ये दोनों है, इन दोनों में आयंस किस पर है, चार्ज किस पर है, बस वही जाएगा इस पर, क्योंकि ये जिस पे चार्ज नहीं होता है ना वो सॉलिड स्टेट में होता है, जिस पे चार्ज नहीं होता है वो सॉलिड स्टेट में एज्यूम्ड होता है, तो सॉलिड स्टेट को लिखते नहीं है कंसंट्रेशन में। तो प्रोडक्ट में कौन है, देखो ये प्रोडक्ट हुआ हम लोगों का और ये हम लोगों का रिएक्टेंट हुआ, तो प्रोडक्ट में हमारा सिर्फ एजी है, तो एजी लिखेंगे और एजी पे कोई मोल भी है तो एजी के आगे कितना मोल है, कितना मोल है एजी के आगे, टू मोल, तो टू मोल ऊपर चला जाएगा पावर में डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में, देखो रिएक्टेंट में कौन लिखाएगा, एजी या कॉपर टू प्लस, CU2 plus. CU2 plus. CU2 plus के आगे कितना मोल है, one. One, तो one ही रह जाएगा। चलो अब आगे बढ़ो, 0.46 माइनस में ये हो गया 0.03 log base 10 Ag plus का कंसेंट्रेशन, क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ Ag plus का कंसेंट्रेशन, 1 × 10⁻³ बोल सकते हैं इसको, इसको हम लोग 1 × 10⁻³ बोल सकते क्या, ऊपर में देखो, यस सर, 1 × 10⁻³ या 10⁻³ ही डायरेक्ट, अच्छा चलो ऐसे ही बोलो, क्या दिक्कत है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। हाँ ना बोलो, यस सर, ऊपर में आ गया 10⁻⁶, नीचे में आ गया 10⁻⁪, कितना आएगा ओवरऑल 0.46 माइनस में 0.03, ऊपर में आएगा 4 लॉग बेस 10 10⁻⁴, पावर आगे चला आता है। ये हो गया हमारा ई सेल ही चल रहा है ना, ई सेल बराबर 0.46, देखो यहाँ पे लिख तो नहीं पाएंगे ना, तो हम लोग इसको यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा करके यहाँ पे
यहां पे लिख सकते हैं। ई सेल बराबर आया 0.46 माइनस में 0.03 इंटू फोर और लॉग माइनस फोर है ना, माइनस चार आगे आ गया। लॉग बेस 10 10 लॉग बेस 10 10 का वैल्यू कितना होता है जी? 1। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, हट जाएगा। ओवरऑल कितना आ गया ई सेल बराबर? ई सेल बराबर आ गया 0.46 माइनस माइनस प्लस, चार से गुना करो जी इसको, गड़बड़ हुआ क्या? माइनस रूल का ऊपर गया तो प्लस में, नाइन होगा, नाइन नहीं होगा, माइनस प्लस टू छह दो, कितना आ रहा है ये गुना करके? 0.03 इंटू फोर कितना रहा है? चार तीन बारह, 0.46 चार तीन बारह प्लस में 0.12 कितना रहा है ओवरऑल ऐड करके? हम एक मिनट चेक कर रहे हैं, उसको गड़बड़ हुआ, आंसर तीनों से 0.46। इसका सॉल्यूशन गलत है, ठीक है, हम लोग का ठीक है, चेक कर लिए, ये गलत ही बनाया है। कितना आ रहा है ये? 0. कितना आ जाएगा जोड़ करके? 58 वोल्ट, यही इसका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको अच्छे से, हम लोग का ठीक है, इसका गलत सॉल्यूशन दिया है, चेक कर लिए, इसका सॉल्यूशन गलत। सर हाँ बोलो सर, वहाँ पे माइनस थ्री का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे ना, तीन दूनी छह हुआ ना, इंडिसेस तीन दूनी छह पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, अभी एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम, इसको अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझो, ठीक है। हो जाएगा नोट तो बताओगे, तेजी से नोट करो, थोड़ा उस पर तेजी से नोट करो, एक क्वेश्चन और बना पाए ताकि इसी क्लास में नेक्स्ट इक्वेशन सब लोग याद कर लेना। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड, कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है सर? एक तेजी से लिखो, पर हाँ
done. Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कैलकुलेट दी ईएमएफ ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. रिएक्शन आपको दिया हुआ है, मिडिल सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस 0.002 m गिवन टू निकेल 2 प्लस 0.16 कैपिटल m प्लस 2 Ag सॉलिड. गिवन दैट ई नॉट सेल, अभी तो ई नॉट सेल दे रहा है 1.05. कई क्वेश्चन में ई नॉट सेल भी निकालना पड़ता है. अब देख करके बताओ निकेल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. अब हमको सेल रिएक्शन दिया, निकेल सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस गिवन टू निकेल 2 प्लस प्लस 2 Ag सॉलिड. ठीक है, निकेल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. क्या हो रहा है जी निकेल का, ऑक्सीडेशन. और एजी का क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो निकेल हमारा क्या बनेगा, एनोड की कैथोड. एनोड बनेगा. तो निकेल से बन रहा होगा निकेल गिवन टू निकेल 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और एजी का क्या हो रहा होगा, एजी से एजी प्लस या एजी प्लस से एजी. यही हो रहा होगा ना, इसको 2 से गुना कर दे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा. यही होगा रिएक्शन, तो हम लोग को दिया ही हुआ है, बस हम लोग ये रफ रफ सोच दिए. ये हमारा एनोड वाला रिएक्शन हुआ और ये हमारा कैथोड वाला रिएक्शन हुआ. रिएक्शन एट एनोड और ये रिएक्शन एट कैथोड. मिल गया कैथोड एनोड का रिएक्शन, पता चल गया एनोड कौन है कैथोड कौन है. ठीक है, और रिएक्शन तो यही है ना, ये हमारा सेल रिएक्शन क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है. तो इससे हमको पता चला कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा रिएक्शन में, कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए ये रिएक्शन लिखना पड़ा हमको. एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, ताकि बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन पता चल सके. तो एन का वैल्यू हो गया 2. ठीक है, एन का वैल्यू हो गया 2. ई नॉट सेल हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1.054. ई सेल निकालना है हम लोगों को, है ना, ई सेल बराबर क्वेश्चन मार्क. तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे ई सेल का और फिर निकालते चले जाएंगे. ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट. ठीक है, यही होगा हमारा. तो सबसे पहले ई सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल की जगह हम लोग 1.05 पुट कर दिए, माइनस में 0.06 ले लेते हैं, एन की जगह 2 रख देते हैं, लॉग बेस 10. बताओ प्रोडक्ट में कौन लिखाएगा, निकेल 2 प्लस एजी, एजी प्लस या निकेल, सिर्फ निकेल, क्या लिखे, Ni2+ का कंसेप्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या जाएगा, Ag+ और इसका पावर भी है क्योंकि मोल है, मोल रहेगा तो पावर में जाएगा मोल. इसमें मोल था नहीं इसीलिए पावर में 1 है, इसमें 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि पावर में 2 है. अब सबकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर, E सेल बराबर E नॉट सेल की वैल्यू तो हम लोग डाल चुके हैं, माइनस में 0.03 लॉग. देखो निकेल 2 प्लस का कंसेंट्रेशन इतना है 0.16, तो 0.16 डिवाइडेड बाय एजी प्लस का कंसेंट्रेशन कितना, इतना है 2 × 10⁻³ - 3 इसका स्क्वायर
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा ध्यान से, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 0.03 लॉग, इसको लिख सकते हैं चार का स्क्वायर या दो का पावर तीन, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, दुनी सोलह, दो का पावर चार लिख सकते हैं सोलह को, जल्दी बोलो। नीचे दो का पावर दो हो गया, गुना में दस पे पावर माइनस छह हो गया, ऐसा होगा, आना बोलो। यस सर। 0.03 लॉग, ऊपर में आ जाएगा टू का पावर टू और गुना में दस का पावर छह, ऐसा होगा। होगा ऐसा, ये गुना में है तो प्लस में टूट जाएगा लॉग, गुना में लॉग प्लस में चला जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, टू आगे चलाएगा और लॉग टू बचेगा, टू आगे आ गया, लॉग का पावर आगे आ जाता है, तो लॉग टू का वैल्यू कितना पढ़ाए थे 0.301, ये सब याद रखना, लॉग टू का वैल्यू 0.301 होता है, ठीक है, ये सब हम कहीं लिख भी देंगे। और यहाँ छह आगे आ जाएगा, लॉग टेन का वैल्यू वन हो गया, 1.05 माइनस में 0.03, पूरा गुना करके बताओ जी, 6.3 × 6 = 2, यही आ रहा है क्या, 1.05 माइनस में, ये पूरा गुना होकर हमारे पास आ रहा है, तीन से गुना करो जी, 3 × 6 = 6 × 6 = 18 × 6 = 18 = 19, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 0. इतना ही आ रहा है। माइनस में 0.9 इतना आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमको आ रहा है 0.914 वोल्ट, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब लिखिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट देन लिखिएगा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और तब लिखिएगा। सर जहाँ पर 2 का पावर 4 आप लिखे हैं, हाँ जी सर, तो उससे पहले वहां पर 0.16 था ना, तो उसका 100 का आ गया सर, पावर छोड़ दिया, यही संदर्भ है ना, 10 पे पावर माइनस 2, 10 का पावर 6 ऊपर आएगा, 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा, घटा के इतना ही आएगा, मतलब इसको गुना करके इतना नहीं आएगा, लेकिन आंसर हम लिख दिए थे गुना करके, ये इतना नहीं, गुना करके कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 0, 6 × 6 = 18, 4 × 3 = 12 और 1 = 13, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक पर पॉइंट इतना आएगा, ये आंसर ठीक। अब ठीक है क्वेश्चन, ठीक है प्रणव, स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना सब लोग, स्क्रीनशॉट।